आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, मैं एक रिलेटिव व्यू पॉइंट से एक प्रोफेसर हूं और मेरा दर्शन विषय है, तो मुझे और दूसरा दर्शन की जो संस्थाएं हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर की है चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दोनों में सदस्य हूँ। जैसे कि हमारे भारतवर्ष के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन की आज़ादी के पहले दो बड़ी संस्थाएं, उनका मैं प्रारंभ से सदस्य हूँ। वर्ल्ड जो एक तो है हमारी अखिल भारतीय दर्शन परिषद, और इंग्लिश में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस, जो एक इंग्लिश में डेलिब्रेशन होता है, हिंदी में होता है। और यहाँ के हम सदस्य हर 5 साल के बाद में वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में जाते हैं। वहाँ पर लगभग 1500-2000 पूरे विश्व के दर्शन के जो है वो महाकुंभ होता है दर्शन का, वहाँ सभी अपना अपना रखते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की प्रस्तुति करूँ, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, वो मैं कर सकता हूँ, तो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको किस तरीके से प्रस्तुति करनी चाहिए कि लोगों को ये लगे कि भाई हमारा कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि हम तो सनातन सत्य में काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारी स्पेसिफिक प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, उसका थोड़ा मार्गदर्शन, क्योंकि आप उसके अध्येता हैं, आप उसको जी रहे हैं, तो वो थोड़ा बताइए, ताकि कभी भी प्रस्तुति करें तो वो एंगल ध्यान में रहे। यस यस, तो प्रस्तुति करने में तो सिंपल बात इस प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के डेलीगेट्स के सामने कि आखिर संसार में सभी जीव सुख की खोज करता है और सुख के लिए ही जीता है, जन्म लिया और जीता है और मरता है, और मरते दम तक वो सुखी हो गया ऐसा वो एहसास नहीं करता है, प्रयास जरूर करता है और सुख पाने की थोड़ी थोड़ी अवस्था उनकी आती है, मगर वो तृप्त नहीं होते हैं। मरते दम तक ऐसा नहीं कहते कि नाउ आई एम परमानेंट हैप्पीनेस, नाउ आई हैव अ परमानेंट हैप्पीनेस, ऐसी बात वो नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट बर्थ में जाएगा, फिर सुख ढूंढता रहेगा, फिर नेक्स्ट बर्थ में जाएगा, फिर सुख ढूंढता जाएगा। तो आखिर सुख ढूंढना उनका काम है, क्यों? क्योंकि सुख ही जीवन है। क्या है? दुख जीवन नहीं है, मगर सुख का सुख को क्या मानते हैं? क्या सुख वो इंद्रिय ज्ञान है? क्या सुख वो साधन है? सुख वो क्रिया है? ना, न क्रिया है, न साधन है, और न ही इंद्रिय ज्ञान है। सुख स्वभाव है, मगर ये नहीं मालूम है, इसीलिए इंद्रिय ज्ञान मानते हैं, साधन को मानते हैं, अवस्था को मानते हैं, और उसमें व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो प्रश्न ये कि अगर सुख स्वभाव है तो फिर अनुभूति क्यों नहीं है? तो कहने का मतलब ये है, अनुभूति इसीलिए है नहीं है क्योंकि जो स्वाभाविक सुख है वो अंदर है और विभाविक माना हुआ बिलीफ वाला सुख वो बाहर है। तो जहाँ तक बाहर अगर आप सुख ढूंढना जाओगे, बाहर सुख है ऐसा मानोगे और बाहर से इंद्रिय ज्ञान से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते रहोगे, वहाँ तक स्वाभाविक सुख की और दृष्टि जाएगी ही नहीं। तो सबसे पहला दृष्टि बदलो, सुख आत्मा का स्वभाव है और वो अंदर है, बाहर नहीं है। बाद में अगर बाहर सुख है तो फिर हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते? तो अनुभव करते हैं ना, हम करते हैं अनुभव, अंदर सुख है
इसलिए अनुभव करते हैं, मगर सुख अंदर है, बिलीफ बाहर है। तो बाहर की बिलीफ जब संतुष्ट हो जाती है तो वो सुख का अनुभव करते हैं, वो सुख अंदर है। शरीर का स्वभाव सुख दुख वाला है ही नहीं, इसलिए उसको जलाते हैं तो दुख भी नहीं होता है। तो ये सिर्फ बिलीफ है, और वो बिलीफ को चेंज करना वो इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहले सुख कोई प्राप्ति के लिए बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनो, सही परिभाषा समझो, और बाद में आप ये एक एक करके पूरा विज्ञान, जिसमें कर्म का सिद्धांत, जिसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसमें आत्मा, ये सब समझा सकते हैं। ये सब को रिलेटेड है, और आत्मा की अनुभूति के लिए कोई बाह्य क्रिया की और बाह्य संजोगों की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मन वचन काया की अवस्था के अंदर अगर आपके पास सही दृष्टि है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की, तो आप कभी भी आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ सकते हो। इसमें बाह्य संजोग बाधक नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से हम डिटेल से एनलार्ज करके प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको समय की मर्यादा के अधीन ब्रीफ में बताने की कोशिश किया है, आगे आगे हम यही विज्ञान को समझने की कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ये एपिसोड हम जो सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान या हमारे दृष्टि जो ज्ञान दर्शन वाली है उसके अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रस्तुत करने के बाद के अंदर क्या क्या अनुभूति होती है और उसको हम कैसे रियलाइज करें, उसके लिए हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि हमने सब चीज़ अपनी दृष्टि के अंदर सेट कर दी सनातन सत्य की, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना और व्यवस्थित है, ये सब हमने विजन में सेट कर दिया। तो सेट करने के बाद जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि कैसी भी परिस्थिति कैसे भी संजोग हमारे जीवन में आवे सुबह से शाम या जीवन भर, उसके अंदर आपको राग द्वेष नहीं करना है, आपको एकदम समता भाव बनाए रखना है, आपको मध्यस्थ भाव बनाए रखना है, प्रतिक्रिया विरति रखनी है। यानी कि संजोग ऐसे जहाँ पे टकराव होने का गुंजाइश होती है वहाँ पे आप राग द्वेष मत करो, क्या अगर मैं ऐसा चिंतन करता हूँ कोशिश करता हूँ द्रव्य रूप से कहिए या इस मन वचन का ऐसे कहिए, तो क्या ये स्थिति सही है, क्योंकि इसका टेस्ट तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं तो जो कुछ चल रहा है कुदरत का वो उसका टेस्ट तो फिर जीवन में ही होगा ना। तो ऐसी परिस्थितियां संजो खड़े हो उस वक्त मध्यस्थ भाव रहे और उस वक्त राग द्वेष न आवे संभाव रहे, तो क्या हम मान सकते हैं कि हमारी साधना अच्छी चल रही है, हमारा ज्ञान दर्शन डेवलप हो रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा प्रायोगिक रूप से बताइए। जी जी देखो सामान्यतः धर्म के मार्ग पे हमको संभाव रखने की बात करते हैं और समता भाव की भी बात करते हैं, टकराव टालने की भी बात करते हैं, एडजस्ट होने की भी बात करते हैं। हो सकता है कि रिलेटिव सत्य के आधार से सही भी है, मगर ये दो बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि एक आधार रिलेटिव सत्य और एक आधार सनातन सत्य, ये दोनों बात हमारे विजन में क्लियर होने चाहिए। जब आधार ही रिलेटिव सत्य का है तो पुरुषार्थ रियल सत्य का नहीं हो सकता है, और आधार रियल सत्य का है तो पुरुषार्थ रियल सत्य का हो सकता है। तो आधार का मतलब क्या है, मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे हम कहेंगे कि हमको संभाव से निपटारा करना है तो ये वाक्य अपने आप डुअरशिप में आ जाता है, तो रिलेटिव सत्य हो गया हमको करना है। तो यहां कुदरती रचना देखोगे तो संभाव रहेगा, तो कुदरती रचना देखना वो संभाव है और कुदरती रचना न देखना वो भी संभाव है।
यानी ज्ञान ही अनुभूति करवाती है। अगर हमने अवस्थाओं को कुदरती रचना देखा, उसका फल ही संभव, हमको संभव से निकाल करना नहीं है, तो क्योंकि डोर से पा गई। उसके अलावा जिस प्रकार से शुद्धात्मा के वही खाते में जमा करना जो सत्साधन है, तो ये क्रिया के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ साधन रिलेटिव सत्य, तो अनुभूति भी रिलेटिव सत्य रहेगी। और सनातन सत्य का साधन है, वह दो ही बातें, शुद्धात्मा और कुदरती रचना, जो दोनों सनातन हैं, वही आधार है और वही पुरुषार्थ है, वही उपयोग है, और उसके आधार से जो फल मिलता है वो अनुभूति है। तो समभाव रहना, यह हमारे ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कोई फिजिकल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ज्ञान दर्शन है तो समझना ये धार्मिक सत्य है, रिलेटिव सत्य है। और फिजिकल सत्य का ज्ञान दर्शन का मतलब होता है जहां डूअरशिप है, आपको कुछ करना है। संभाव्य निकाल का जो एग्जाम्पल देते हैं दादा भगवान, सुलेमान का एग्जाम्पल, उसमें आपको संभाव में संभाव से निपटारा करना है, तो बातचीत करके भी आप संभाव्य निकाल करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल में बताया गया है। तो यह क्रिया की बात है और क्रिया के रिजल्ट की बात है, यहाँ की क्रिया की बात नहीं है। हमारा ज्ञान दर्शन के उपयोग की बात है और उपयोग का रिजल्ट है, यहाँ क्रिया का रिजल्ट नहीं है विज्ञान में। तो समभाव का मतलब होता है मन वचन का है कि कोई भी अवस्था हमारे ज्ञान दर्शनों की अस्थिर नहीं बनाए, वो संभव हो गए, वो अनुभूति हो गई। क्यों अनुभूति हुई? क्योंकि कर्म खत्म हुआ, नया कर्म नहीं बनाया, अज्ञान नाश किया और डेवलपमेंट किया, ये सब आपको मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाएंगे। या कोई रिलेटिव पुरुषार्थ की बात नहीं है। तो इसीलिए हमने ये कहा कि संभाव, हालांकि कहीं वर्षों तक संभाव फाइलों का संभाव से निपटारा करना, ये उसको क्रिया के फॉर्म में ही लोगों ने बताया, आज भी बताते हैं, आज भी आज्ञा देते हैं तो यही समझाते हैं, वही एग्जाम्पल। खैर, लोगों को समझाना, समझना, उपयोग करके अनुभव करना, एक रिलेटिव सत्य का पैकेज है। सनातन सत्य के अंदर तो जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, इसका दृष्टि से उपयोग करना, उपयोग ही संभव है। अगर आपका उपयोग सही है तो उसका रिजल्ट ही संभव है, आपको संभाव्य निकाल करना नहीं है। संभाव्य निकाल का मतलब होता है आपका ज्ञान दर्शन का ऐसा उपयोग कि वो अवस्था में जो आई थी वो समाप्त हो गई और आपके ज्ञान दर्शन ने उसकी वैल्यू जीरो कर दी, तो नया तो कोई सर्जन होगा नहीं, तो अपने आप संभाव्य निकाल हो गया। और जो इसके पीछे छिपा हुआ जो रॉन्ग बिलीफ का अज्ञान था जिससे यह कर्म बना था, वो अज्ञान भी साथ से पैरेलल इरेज हो गया। और ये विज्ञान के उपयोग करने से अज्ञान इरेज हो गया है, तो दे कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट, जो विज्ञान का उपयोग किया कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट, ऐसे आपका डेवलपमेंट धीरे धीरे हाई बनता है। और आपने विज्ञान का उपयोग किया तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त होंगे, क्योंकि और कोई आपकी भावना उस संजोग में, विज्ञान का उपयोग करते समय और कोई भावना नहीं है, तो विज्ञान का उपयोग ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक का संजोग का बीज बनाती है। कोई अलग प्रकार की भावना की जरूरत नहीं, विज्ञान का उपयोग का मतलब ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग। तो ये जो पुरुषार्थ है संभाव का, तो बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है कि ये दृष्टि की बात है, ये क्रिया की बात नहीं है। हालांकि दादा भगवान ने जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया था उसमें तो क्रिया का महत्व था, डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, और इसी प्रकार से बताया गया है, इसी प्रकार से आज आप तो पुत्र भी समझाते हैं, मगर वास्तव में ये दृष्टि की बात है, ये कोई क्रिया की बात नहीं है। मगर ये समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, मैंने कहा ना
विज्ञान को विज्ञान के रूप में दृष्टि में सेट करना, वो समय लगता है, और विज्ञान को रिलेटिव सत्य के रूप में, डूअरशिप के रूप में, एक्शन के रूप में सेट करना थोड़ा इजी है। तो विज्ञान को विज्ञान के रूप में सेट करना अपने विजन में वो डिफिकल्ट इसीलिए क्योंकि उसका जो गैड है प्रिंसिपल का वो समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या प्रिंसिपल क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो, क्यों संभाव्य निकाल वो ज्ञान दर्शन के उपयोग का रिजल्ट है। क्यों अगर मेरा ज्ञान ही अवस्था में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा तो विसंभव होगा ही नहीं, वही तो संभव है। तो संभाव्य निकाल उपयोग का रिजल्ट है, क्या है, हमको संभाव्य निकाल करना नहीं, हमारा उपयोग ही रिजल्ट में लाएगा संभव, और वो संभाव ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों की प्राप्ति करवाएगा नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में। तो इसीलिए हमने जो संभाव शब्द का प्रयोग किया वो संभाव शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक विज्ञान में करना चाहिए, मगर इसको परफेक्ट फॉर्म में समझोगे तो ही समझ में आएगा कि आखिर विज्ञान क्या है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को आगे और डीप से समझने की कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी सनातन सत्य की आपने बात बताई और काफ़ी इसका मुख्य जो है बिंदु लेकर के आप चल रहे हो, तो आखिर सनातन सत्य को समझने से और इसको दृष्टि में बिठाने से आखिर हमको क्या प्राप्त करना है, इससे हमको क्या लक्ष्य बनेगा और इससे हमारे इस जन्म के अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी जो आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए उपयोगी होगी। क्योंकि उपयोग की आप बात करते हैं तो इस समय के अंदर किया हुआ हमारा नेक्स्ट बर्थ में या आने वाले बर्थ में जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है जैसा आप बताते हैं, तो वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होकर के उपयोगी बनेगा वो चीज़ महत्व की वो हम समझना चाहते हैं कि वो कैसे उपयोगी रहेगा आने वाले टाइम में। तो संभाव से कोई भी अवस्था में अगर हमको संभाव रहा ज्ञान दर्शन के उपयोग से और उससे डेवलपमेंट बढ़ा और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग का बीज बना, अज्ञान का नाश हुआ, वो नेक्स्ट बर्थ में किस प्रकार से उसका फॉर्मेट रहेगा या उसका रोल रहेगा, तो नेक्स्ट बर्थ में ये आपका डेवलपमेंट है, वो तो अपने आप काम करेगा क्योंकि वो तो आपकी मैच्योरिटी है, अपने आप को काम करेगा। अभी आपको दोबारा वो बात समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आप मैच्योर हो गए, कुदरत के कानून में मैच्योर हो गए, वो नेक्स्ट बर्थ में दोबारा वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैच्योरिटी इज कैरी फॉरवर्ड विद द सोल। या एग्जाम आपने पास कर दिया है, जैसे आपको केवल ज्ञान या केवल दर्शन प्राप्त करना है उसमें इतने एग्जाम पास कर दिया तो वो दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके आगे की एग्जाम देनी पड़ेगी आपको कुदरत के कानून में। तो ये जो अनुभूति होती है तो डेवलपमेंट अपने आप काम करता है। दूसरी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग का जो बीज बना है, इसीलिए आपको हर अवस्था में ऐसा संयोग ही मिलेगा ताकि आप मुक्ति के मार्ग में आगे जाओ, संसार के मार्ग में आगे नहीं जाओ, मिलेगा संसार में मगर आपको मुक्ति के मार्ग में सपोर्ट करने वाले ही संयोग मिलेंगे क्योंकि वो आपकी भावना है। और तीसरी बात, आपके अंदर जो अज्ञान था पिछले अवतार में वो आपने विज्ञान का उपयोग करके इरेज किया, तो आपका डेवलपमेंट तो बढ़ा साथ में आपका अज्ञान भी पुअर हुआ और संयोग भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। ये सब पॉजिटिव है सब्जेक्ट टू योर गोल, इसमें कोई संयोग नेगेटिव नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है या ये स्थूल रूप से हमको समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है मगर हमको मालूम होता है, अनुभव होगा आपको कि कितनी अच्छी बात है कि जो मेरा गोल है उसके अनुरूप ही मेरा ज्ञान दर्शन है, उसके अनुरूप ही मेरा उपयोग है,
उसके अनुरूप ही जो अज्ञान है वो भी एकदम माइल्ड हो गया है और बाहर के संजोग मेरे को हेल्पफुल है, तो ये सब कुछ आपको आपके गोल के मुताबिक पॉजिटिव लगेगा और यही तो अनुभूति है और यही तो बेनिफिट है। अज्ञान का अनुभव करोगे तो अज्ञान भी कहीं पर होगा तो उसका भी तो अनुभव होगा, और विज्ञान का उपयोग करेंगे तो विज्ञान का अनुभव होगा, डेवलपमेंट होगा और वही आपको नेक्स्ट बर्थ में हेल्प करेगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया। और इसीलिए स्थूल रूप से हम देखने जाएंगे तो ऐसा लाभ नुकसान नहीं दिखेगा, मगर ये दृष्टि से मालूम होता है कि कितना बड़ा बेनिफिट है। जैसे कई व्यक्ति हमको व्यवहार में क्या कहती है, मेरे को सत्संग में आना है, सत्संग को समझना है, मगर मेरे पास संजोग नहीं है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग के लिए लायक और शायद संजोग नहीं लाए हैं, हो सकता है पैसा कमाने के संजोग उसके हो सकते हैं। तो यह सबको समझना, छोटी बात बहुत बड़ी होती है। कई लोग कहते हैं कि हाँ मैंने ज्ञानी पुरुष के बारे में सुना है, मगर क्या करें हम मिल नहीं सकते, तो ये भले छोटी लगती है मगर बहुत बड़ी बात है। आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है, और अगर 5 साल तक नहीं मिला, 10 साल तक नहीं मिला तो आप इतने लेट हो जाओगे और फिर शायद संजोग बदल जाएगी, और मिलेगा भी तो भी आपका और कोई संजोग, उम्र का संजोग कहो, सामाजिक संजोग कहो, इतना बदल जाएगा कि आप उसको समझने के लिए क्षमता नहीं रखोगे या तो आप अटेंशन नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो ये छोटा संजोग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लोगों के पास दृष्टि नहीं है उसको नापने का। अगर 5, 10, 15, 20 साल की उम्र में हमको ऐसा ज्ञान समझ में आ जाता है, खुला हो जाता है, डेवलपमेंट से जो लेकर आए और पूरी बात समझ में आ जाती है, तो हमको फिर उस फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोचेंगे भी नहीं ज्यादा, और जो हिसाब है वो तो आएगा ही। तो जो हमारा फोकस था पुरुषार्थ के रूप में संसारी बातों को प्राप्त करना, वो नहीं रहेगा, इससे आपका पूरा फोकस सनातन सत्य में रहेगा। तो ये जो बेनिफिट दिखता है वो बाहर नहीं दिखेगा, वो अंदर दिखेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि चलो भाई तीर्थंकर भगवान महावीर जो संसार वो घर बार छोड़ के घूमे तो उन्होंने क्या पाया, तो बाहर से क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ये कोई फिजिकल मैटर थोड़ी है, अनुभूति की बात है। तो अनुभूति के लेवल से बहुत हाई लेवल आपका होगा, वो तो डिपेंड है आप कितने डेवलपमेंट लेकर गए, कितना उपयोग और जागृति, और भी आप नए अवतार में उसका एप्लीकेशन करते हैं, मगर ऑफ कोर्स आपको जो बेनिफिट होगा वो एबनॉर्मल होगा और वो रिलेटिव सत्य से बहुत ऊपर होगा, ये तो मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ आइए हम सब ये विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आप ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट पर जोर देते हो और उसकी बात करते हो कि सच्चा डेवलपमेंट यही रियल पुरुषार्थ है, करते रहना चाहिए, तो मैं ये समझा उससे कि जो ज्ञान दर्शन को रोकने वाले घाती कर्म हैं, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, वो हमारे ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट से वो डाइल्यूट होते हैं, कम होते हैं, उनकी जो भी परमाणुओं की संख्या वगैरह कम होती है, मैं ये समझा हूँ, तो क्या मैं सही हूँ? और दूसरा घाती कर्म तो 4 है, 2 की बात तो इससे होगी, लेकिन पीछे जो बचा हुआ मौनीय कर्म और अंतराय कर्म है वो फिर ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट से कैसे ठीक होंगे, क्योंकि घाती कर्म तो वो भी है, हम अघाती कर्म की बात नहीं करते हैं, वो तो भुगतान है, उसकी बात छोड़िए, वो तो कुदरत के अधीन है, वो तो ऑटोमोड से चलता है, उसकी क्या बात करनी, बात करनी सुधार करना वो सब घाती कर्मों का है। तो क्या मैं सही हूँ कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय घट रहे हैं? और आप बताइए कि मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म का साथ में क्या हो रहा है जब ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट होता है, ये समझना जरूरी है। जी जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्ति के मार्ग में जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं उसमें पहले 4 प्रकार के कर्म जिसको घाती कर्म होते हैं, और घाती कर्म का जो 4 प्रकार बताया है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये जो 4 प्रकार के जो कर्म है वो हमारे अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत सुख और अनंत शक्ति का जो हमारा स्वभाव है,
उसको घात करता है, आवृत करता है, होते हुए भी अनुभव में नहीं आने देता है। तो वो घाती कर्म के अंदर जो पहला दो कर्म है, ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण, ये ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण अगर हम मिटाते हैं पुरुषार्थ से, उपयोग से, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से, क्योंकि ज्ञान आवरण दर्शन आवरण का दूसरा नाम है मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। तो ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का जो आवरण है वो हम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से दूर कर सकते हैं ग्रेजुअली। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जब टूटेगा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से उपयोग से, तो मोह कैसे रहेगा? मोह भी पैरेलल नाश होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का मतलब है मैं आत्मा हूँ और अनंत सुख अनंत शक्ति आत्मा में ही है, और इसीलिए सुख ढूंढना नहीं है, सुख प्राप्त करना नहीं है, सुख है वो रियलाइज करना है। सिर्फ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म को मिटाना है। तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से ही मोहनीय कर्म माइल्ड हो जाती जाएंगे धीरे धीरे पैरेलल। जैसा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पावरफुल होगा, डेवलपमेंट होगा, ऐसा मोहनीय कर्म अपने आप माइल्ड होते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म को जीरो होना, उसका नाम है केवल दर्शन। और केवल दर्शन के बाद जब केवल ज्ञान होता है तो उसमें क्या होता है? वो तो ड्यू डेट है, जिसको अंतराय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराय। हाँ, वो केवल ज्ञान का अंतराय, मतलब वो अंतराय एक्चुअली डेंजरस नहीं है, क्योंकि आपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्मों को पुरुषार्थ से, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से और निर्मोह दशा से उसको अगर मिटा दिया है और जीरो कर दिया है, तो आपने जो पुरुषार्थ किया है वो काफ़ी है। अगर वो जीरो हो गया तो मतलब केवल दर्शन हो गया, पर अगर केवल दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान का बीज पड़ा, जिसका फल नेक्स्ट मनुष्य भव में आएगा ही। मगर जहाँ तक केवल ज्ञान नहीं होता है वहाँ तक इसको अंतराय कर्म की असर बोलते हैं, मगर वो अंतराय कर्म बाधक नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समय की आवश्यकता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को मिटाने का है, पैरेलल मोहनीय कर्म को नाश करने का है। अगर ये तीन शून्य हो गए तो चौथा तो रिजल्ट रूप में मिलेगा, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत या फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा अनुभव तो सब कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं होती है, मगर बातों को जहाँ तक सिद्धांत से समझ में नहीं आती है वहाँ तक अनुभव क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से कर सकते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, ये कुछ मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी बातों को जब सिद्धांत से समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ये विज्ञान समझना आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें।